वालेकुम दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो ये है कि हमारी बच्चे के जो बच्चे दिए हुए थे वो मटकी में से बाहर आ गए हैं, जो डब्बे में थे दो। और बैड न्यूज़ ये है कि उसमें से जो एक बच्चा हमारे पास था उसकी टांगें ख़राब थी, और हम सोच रहे थे कि क्या पता वो बॉक्स के अंदर थोड़ा बड़ा हो और उसकी टांगें सही हो जाएँ, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। उसकी टांगें बिल्कुल ख़राब हैं, उड़ भी नहीं पा रहा बिल्कुल मेरे ख्याल में। तो आप उसकी अपडेट देंगे और आप हमें बताएं कि उसका क्या हाल किया जाए। हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसकी टांगें वगैरह ही बंद ही हमने कि क्या पता उसकी टांगें दोबारा से सीधी हो जाएं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका जो छाती वाली जो दिल वाली जो जगह है वो नीचे ज़मीन के साथ लग लग के वो फट जाएगी और वो मर जाएगा। तो आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएँ कि उसके साथ क्या किया जाए। आपको अपने तब तक पौधों की अपडेट देते हैं कि ये जो सनफ्लावर हमारा है ये तो बिल्कुल डल हो चुका है। देख सकते हैं आप, इसके पत्ते भी काफ़ी सारे मुरझा गए हैं और ये पौधा तकरीबन हमारा ज़ाया हो गया है। जो टमाटर के आपको बताऊं तो पिछले ब्लॉग में मैंने इसके पत्ते वगैरह जो येलो हो गए थे वो मैंने उतार दिए थे, और अभी माशाल्लाह ये देखने में ठीक लग रहे हैं। बाकी ये वाला टमाटर भी हमारा ठीक है। और मिर्चों के प्लांट का आपको बताऊँ तो नए पत्ते ये निकालने शुरू कर दिए इसने, और इंशाल्लाह जल्द ये भी बड़े होंगे और एक साथ मिर्चें हम उतार लेंगे फिर। और ये खाद हमारी इसका भी कुछ करना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। बाकी तकरीबन ये सब कुछ ठीक है। ये जो टमाटो है इसके साथ भी आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं फूल और डोडियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह ये भी जल्दी हमें फल देगा। और कद्दू जो बेल है ये मैं कह रहा हूँ कि और बड़ी होगी जब, और फिर इसको इंशाल्लाह स्टिक के साथ बांध लेंगे, फिर ये और इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेगी। दोस्तों बाकी आपको कॉकटेल का भी बताता हूँ कि वो काफ़ी सुस्त लग रहे हैं मुझे काफ़ी दिनों से, क्या पता कि वो दोबारा ब्रीड पे आ गए हों, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। ये आप देख सकते हैं फ़ैन तो इनका लगातार चल रहा है और ये अभी गंदम खा रहे हैं। दोस्तों पार इनका शुक्र है कुछ ग्रामीणों ने कम कर दिए, क्योंकि एक दो दिनों से इनके पार बहुत कम नज़र आ रहे हैं मुझे केज के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दोस्तों कॉकटेल हमारा जो है ये माशाल्लाह से काफ़ी दिनों से बास के अंदर भी इसकी फीमेल जाने शुरू कर दी है, और हमें तो ये लग रहा है कि जल्द ये भी इंशाल्लाह ब्रीड पे दोबारा का आ जाएंगे। और लव बर्ड के आपको अपडेट दें तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेल और फीमेल दोनों बाहर ही थे अभी, और नेस्टिंग लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल में। ऐसे तो माशाल्लाह ये फीमेल इसकी सारा दिन बास के अंदर ही होती है, और फैन इनका भी चल रहा है। तो माशाल्लाह अभी ये दोनों मेल और फीमेल दोनों भी बॉक्स के अंदर हैं, और शायद मेल उसको फीड कराने गया होगा। दोस्तों ये रही हमारी ऊपर की अपडेट, अभी थोड़ी देर बाद नीचे चलेंगे। और जो बजिस का हमारे पास बेबी है जिसकी मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको कि उसकी टांगें ख़राब हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसका भी कोई हाल अगर आपके पास हुआ तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में बताएँ। तो दोस्तों अभी भी मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देखी है और इसमें मुझे इसका हाल नज़र आ गया है, जो कि यही है टांगों को बांधने वाला। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी इसकी टांगों को बांधा था, और वो क्योंकि मैंने धागे के साथ बांधा था, तो वो जहर बारा जिस टाइम तोता इधर उधर चलता वगैरह और वो धागा खुल जाते हैं, तो इसका मैंने अभी हाल देखा है, और वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और अभी इसका वो हाल करते हैं। तो चले चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं जाकर नीचे से अपना जो बजिस का बेबी है उसको मैं उठा के ऊपर अपने रूम में लेके आता हूँ, और फिर इसका इंशाल्लाह इलाज करते हैं जी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वो वाला बेबी जिसकी टांगें ख़राब है, और आप देख सकते हैं कि ये अपनी टांगों पे नहीं खड़ा हो पा रहा, और इसकी जो छाती है ये नीचे ज़मीन के साथ लग लग के इसके ऊपर से पार भी सारे उठ चुके हैं। और इसके साथ का दूसरा बेबी ये है इंशाल्लाह चक्रो करेगा, तो अभी इसको उठा के लेके जाते हैं ऊपर और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, अभी ये फुल बड़ा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टांगें अगर ठीक हो जाएँ तो ये प्रॉपर उड़ सके फिर। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको पकड़ लाया, और ये आप इसकी छाती देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि ये टांगों पे तो नहीं खड़ा हो पा रहा, और डायरेक्ट इसकी ज़मीन के साथ छाती लगती है, और ये इसके लिए काफ़ी नुकसानी है। तो अभी इसका जल्दी जल्दी मैं हाल करता हूँ, क्या पता ये ठीक हो जाए। इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ फिलहाल। इसका हाल मुझे ये मिला है नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और अभी मैं इसको बना के बताता हूँ आपको कि कैसे बनेगा और कैसे इसके टांगों पर लगेगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये हमारे पास आ गई जो होती है रबर बैंड, और ये हमारे पास इंसुलेशन टेप। तो इंसुलेशन टेप को मैंने थोड़ा सा निकालना है, और जो हमारा रबर बैंड है इसके दरमियान में लगाऊंगा, ताकि इसके अंदर से दो ऐसे ऐसे पाउंड डालने की जगह बन जाए, और फिर इसके अंदर इसके पाउंड डालकर
और इसकी टांगें इंशाल्लाह फिर क्या पता ठीक हो जाए। जैसा कि मुझे नेट पे नज़र आया कि इसको ऐसे ही करने, और मैं जल्दी जल्दी अभी इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर इसके पाँव डालेंगे और देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट है। फाइनली ये इसका हल बन चुका है कि जिसके अंदर अभी ये जो दो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं साइडों पे, इसके अंदर इसकी टांगें डालनी है कि जिससे ये ठीक से होकर चल सके। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कैमरा को हैंडल करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि जो इसका मैंने हल बनाया, ये दो सुराख जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर इसकी टांगें डलेंगी और फिर इसके टांगें इंशाल्लाह सीधी हो जाएंगी। तो जल्दी जल्दी मैं डाल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको ये पहना तो दिया है, लेकिन इसका मुझे कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि टांगे इसकी वैसे की वैसी ही हैं। तो अभी मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ। तोता तो हमारा ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं कि टांगे इसकी आपको दिखाऊँ तो ये साइड से ऐसे बाहर, इसको कहते हैं स्प्लिट लेग्स, यूट्यूब पर मैंने देखा है, और इसका मुझे कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद दुआ करें हमारे लिए कि हमारा ये वाला जो बेबी है इसकी टांगे ठीक हो जाए। दोस्तों काफ़ी दिनों से हमने आपको अपनी फिश की भी नहीं बताया कि वो कैसी हो कैसी नहीं, तो आज आपको वो भी दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मनी प्लांट भी काफ़ी सारा माशाल्लाह ग्रोथ करने लग गया, और हमारी फिश भी माशाल्लाह काफ़ी सारी एक्टिव है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने देखा है और इनका पानी भी काफ़ी सारा चेंज करने के काबिल हो गए, और अगर मुझे अभी टाइम मिला तो अभी चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो कल इनका पानी चेंज कर दूँगा। तो दोस्तों अभी मैंने अब्दुल्ला को भी बुलाया, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका पानी आज ही चेंज कर लेते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी अब्दुल्ला को कैमरा हैंडल कराता हूँ, अब्दुल्ला को पकड़ाता हूँ कैमरा, और फिर इसका पानी चेंज करते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैंने इसके एक पाइप रखा हुआ था, और उसी की मदद से मैं इसका पानी निकालूँ, जो काफ़ी पानी गला हो गया, और जब से इसका पानी निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये रहा इसका पाइप, भी एक सिरा इसका निकालूंगा पानी के अंदर, और एक जगह से मैं इसको खींचूंगा और पानी से फिर बाहर आ जाएगा। तो अभी निकालते हैं आप हमारे साथ भी। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी काफ़ी जल्दी से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इससे मैं काफ़ी सारा कचरा है इसके नीचे, और ये अगर आपको नजर आ रहे हो तो पाइप के लिए आ जाते हैं, और ये ऐसे निकालते हैं सारे को उठे निकालना है, तो नया पानी डालेंगे। तो दोस्तों इसके नीचे नीचे जो जो पानी है उसके अंदर काफ़ी सारा कचरे बैठ जाते हैं, और ऊपर वाला पानी में नहीं चेंज कर रहा, इस वजह से मैं इसका नीचे वाला पानी चेंज करूँगा और इसके अंदर बाहर से और पानी डाल दूँगा। दोस्तों इसका पानी फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका पानी, और अभी इसको मैं गिरा के और नया पानी इसके अंदर डालते हैं। ये पानी ले रहे हैं और बहुत बड़ा कर डालेंगे बराबर होते हैं साथ साथ। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा करके टाइम तो लेते हैं, लेकिन एहतियात की ज़रूरी है, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो दोस्तों अभी जल्दी से इसका पानी चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली इनका पानी मैंने चेंज कर लिया, और इसमें अभी मैं इनको थोड़ी देर बाद फीड डालता हूँ। ये आप देख सकते हैं पानी के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये छोटे छोटे जो जर्रे से नज़र आ रहे हैं, ये मैं बहुत काफ़ी कोशिश करता हूँ कि ये साफ़ हो जाएं, लेकिन ये फिर भी निकल आते हैं। और इसके लिए हम इंशाल्लाह अभी फ़िल्टर भी लेके आएंगे, जो कि ये छोटे छोटे जो जर्रे से हैं ये भी इंशाल्लाह जल्दी पानी में से ख़त्म हो जाया करेंगे। और फिर आप अभी देख सकते हैं हमारी फिश को काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, और अभी इनको थोड़ी देर बाद फीड भी देते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये इनकी फीड आ गई, और अभी इनको डालते हैं फीड, और आप भी देखेंगे कितने शौक से खाएंगे। ये देखें दोस्तों अभी ये मैंने इनको डाल दिया, और ये देख सकते हैं आप कितने शौक से खा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।